अमृतसर के नाल लगते पिंड रामपुरा तो 7 साल की मासूम बच्ची के लापता होने की गुत्थी सुलझ गई है। बच्ची की मतरेई मां उत्ते ही कतल के दोष लगे हैं। रामपुरा तो लापता हुई 7 साल मासूम की लाश पिंड के छप्पड़ को मिली। पुलिस ने मतरेई मां को हिरासत में लिया। इसकी एक सीसीटीवी भी सामने आई है, जिस विच ए औरत काली विच बाल्टी विच कुछ भारी चीज लिजाती हुई नजर आ रही है। मना जा रहा है कि औरत बच्ची की लाश को बाल्टी विच पा के ले जा रही है। लड़की की पछाण अभिरोज जोत कौर वजो हुई है। कल देर रात तक जो लड़की घर ना परती तो रिश्तेदार ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने सवेर तो ही पूरे पिंड को सील कर दिया। पुलिस वालों मामले की जांच गंभीरता के नाल की गई। मापिया ने शिकायत दी थी कि अभिरोज जोत कौर कल शाम 4 बजे के करीब बच्ची जो घरों ट्यूशन पढ़न गई थी, इस तो बाद वो घर वापस नहीं आई। इस तो बाद पुलिस वालों वख-वख टीमां बना के पूरे रामपुरा पिंड के घर घर की तलाशी ली जा रही थी। हुण मामले नूं सुलझा लिया गया। बच्ची की मतरेई मां उत्ते ही कतल के दोष लगे ने। रामपुरा तो लापता हुई 7 साल मासूम बच्ची की लाश पिंड के छप्पड़ के कोल मिली है। पुलिस ने मतरेई मां नूं भी हिरासत विच लै लिया। जिक्रयोग है बीते दिन पिंड रामपुरा वासी एक 7 साल बच्ची जो घरों ट्यूशन पढ़न गई थी, जिसनों अणपछाते व्यक्तियों वालों अगवा करने की गल सामने आई थी। इस संबंधी एक वीडियो भी वायरल दसी जा रही है, जबकि पुलिस वालों वायरल वीडियो हुई दे तत्थां दे आधार से पूरी तरह के नाल रहत मनिया जा रहा है। ताज़ा जानकारी मुताबिक पुलिस ने इस मामले में जिवें दस्या कि सुलझा लिया, तो बच्ची नूं रूह कंबाऊ मौत देने वाली मतरेई मां नूं गिरफ्तार कर लिया। उधर ही परिवारक मैंबरां ने भी दस्या कि बच्ची की मतरेई मां वालों उसके मूँह अगे सराणा रख के कोटने नाल कुट कुट के बहरामी दे नाल मौत की घाट उतारिया गया। फिर मतरेई मां, जिसका नाम ज्योति दस्या जा रहा है, ने बाल्टी विच बच्ची की लाश नूं पा के छप्पड़ नेड़े सुट दिता। बच्ची की लाश नूं सुट्टण जा रही मां की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। कतल क्यों किया गया फिलहाल इस संबंधी कोई जानकारी सामने नहीं आई। पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज की मदद नाल पूरे मामले नूं सुलझाया अते बच्ची की लाश नूं बरामद कर लिया। मुलजम मतरेई मां नूं गिरफ्तार करन दी गल कही जा रही है। फिलहाल पुलिस वालों इस मामले ते कोई बयान नहीं दिता गया। ए सर 4 साल तो सर इसे पिंड दी है। सर इहदा नाम सी अभिरोज प्रीत कौर, काफ़ी एक्टिव बेटी सी, पढ़ने दे होशियार सीगी। बस यदि यह कि मदर पहली जी छड़ के जा चुकी सी, तो दूसरी जी मदर स्टैप मदर सी यदि मतरेई माँ ही उन्होंने लैके मतलब कलेष रहा ही घर में। दादी ज़्यादा केयर ज़्यादा यदि दादी करती सी, तो दादी 10 दिन तो बीमार सी, हॉस्पिटल एडमिट है। दादी छड़न भी आँदी सी, लैन भी जाती सी। ईवन के जे मतलब स्कूल टाइम के भी वो 2-4 बारी गेड़े मारती सी, कभी पानी की बोतल देन आ गई, कभी टिफिन देन आ गई। मतलब आने बहाने वो स्कूल से वह ध्यान बेटी का रखती सी। आगे जिस दिन घटना अंजाम दिता गया उस दिन दादी कितने? दादी हॉस्पिटल से एडमिट सके, वो ICU से लगे हुए, वो वेंटीलेटर ने दादी जी, वो इसी चीज एबसेंस का फायदा उठा गई। वो लेडी वो कुड़ी नाल शुरू तो ही लाकडाउन थोड़ा रखती सी, मतलब थोड़ा जहा अपनापन नहीं सी, मतलब अपना नहीं सी बेटी नु समझदी, कोई नफरत वाली भावना सी उहदे मन विच बेटी प्रति। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।